पता नहीं मैडम फोन क्यों नहीं उठा रही। सर नवी साहब ने अपना ड्राइवर भेजा है सूट पिक करवाने। हाँ उनका ड्रेस रेडी है, रमेश से कहो पैक करा देगा। ठीक है सर। मैडम फोन उठा लें। क्या हो गया? नो सीरियसली, मतलब तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम परेशान हो। जितने पैसे भी चाहिए मिल जाएंगे तुम्हें, ट्रांसफर कर दूंगा या पहुंच जाएंगे तुम तक, डोंट वरी। भाई थैंक यू सो मच। और अस्सलाम वालेकुम इजाल भाई। वालेकुम सलाम। इज दैट ईशा? हाँ ईशा ही है। अशर पूछ रहा है तुम्हारा। मैं मिनाल को देख लूं। हेलो भाई, आर यू देयर? हाँ हाँ, बस सिग्नल चले गए थे यार। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ईशा कैसी लगती है तुम्हें? शी इज नाइस, प्रिटी। आप क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे अपने लिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा क्यूरियस हो गया हूँ इसलिए। बहुत अच्छी लगती है या ठीक लगती है या जो मुझे लग रहा है वो ठीक है? जो आप समझ रहे हैं वही। आई नो सर। चल बाद में करते हैं बात। क्या अभी तक सफाई पूरी नहीं हुई है? जी जी बेबी जी, बस हो रही है। हाय, तुम यहाँ? हाँ तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हें मिलने आ जाऊँ। क्या हुआ, कहीं जा रही हो? चलो साथ में चलते हैं। सिद्रा, मेरा रूम का कोई प्लेटफॉर्म है जिसका दिल करेगा मुंह उठाकर आ जाएगा, और अपनी निगरानी में मेरा रूम लॉक करना समझी। मेरी एक भी चीज इधर से उधर हुई ना तो जानती हो तुम मुझे। जी। जी आप भी जाए, मुझे मिनाल बाजी का कमरा लॉक करता है। ईशा क्या हो गया, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? वो मैं मिनाल को मिलने आई थी लेकिन। हाँ ऑब्वियसली तुम मिनाल से ही मिलने आती हो। जी। अरे मिनाल तो अभी चली गई। बैठो ना, कोई चाय ठंडा कॉफी या जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। नहीं इजलाल भाई, मैं चलूंगी, वो अम्मी वेट कर रही है ना। शुक्रिया। तुम मेरा काम खराब करोगी यार। If you don't believe me, see these pictures. I don't want to see. मेरी बर्थडे पार्टी में वो अपने कजन के साथ आई हुई थी। आई मीन आई कैन सेंड यू दीज पिक्चर्स। मिनाल, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ईशा को किसी और के साथ देखूं। मैं नहीं देख सकता ये सब कुछ। पर दे लुक सो हैप्पी टुगेदर, वो अपने फियांसे के साथ कितनी खुश लग रही है। देखो इजमेर, मैंने ईशा को तुम्हारे प्रपोजल के बारे में बताया था लेकिन उसे सुनते ही मेरी क्लास ले रही कि मैंने तुम्हें उसके कजन के बारे में क्यों नहीं बताया। If you still want, I can insist her to accept your proposal. Not at all.
ईशा जब ऑलरेडी किसी और के साथ है तो फिर इस सब की क्या जरूरत है? दैट इज माय बैड लक, मुझसे पहले ही ईशा की जिंदगी में कोई और था। आई फील सो सॉरी फॉर यू इस्मीर, बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए, काश मैं कुछ कर पाती थी। तुम ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ कर चुकी हो, थैंक यू, यू आर अ काइंड सोल। मैं चलता हूँ, आई सी यू। आज तक मीना ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। क्या हुआ, आज तुम बड़ी जल्दी आ गई हो मीना के यहाँ से? जी अम्मी। अच्छा वो उमेर को कॉल कर लेना, उसका फोन आया था, उसने कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। अब पता नहीं भाई ने क्या जरूरी बात करनी है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी दोस्ती को ज्यादा अहमियत दे रही हो? इतनी कि तुम्हें अम्मी की नाराजगी की भी परवाह नहीं है। अम्मी ने मेरी शिकायत की है आपसे? बच्चे शिकायत नहीं की है, लेकिन तुम्हें तो खुद एहसास होना चाहिए ना। भाई अब आप ही मुझ पे अम्मी की तरह गुस्सा करने लगे। ईशा मेरी बात समझने की कोशिश करो, आज अम्मी ने मेरी बहुत क्लास ली है और उन्होंने मुझे वार्न किया है कि आइंदा मैं कभी भी तुम्हारी वकालत ना करूं। ठीक है, अगर तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो तो मैं आइंदा कभी भी तुम्हारी साइड नहीं लूंगा। ईशा मेरी बात गौर से सुनो, अम्मी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और नेक्स्ट वीक फुप्पो लोग रस्म के लिए हमारे घर आएंगे। जी देखो अम्मी को तंग मत करना, फिर मैं भी आ जाऊंगा, धूमधाम से अपनी बहन को रुखसत करूंगा। अच्छा मैं फोन लगता हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। आप कहाँ है, आपका नंबर भी बंद जा रहा है। या अल्लाह मैं कैसे इस मुश्किल का सामना करूंगी। रोको, हाय। वेट कर रहे हो किसी का? मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं अजाल भाई, मैं चली जाऊंगी। ओ कम ऑन, तुम मनाल से मिलने के लिए मेरे घर ही जा रही हो ना, तो इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ वहीं। आओ उधर, मुझे ऐसी बातें नहीं करो, कम ड्रॉप कर। नहीं अजाल भाई, मैं अपने घर जाऊंगी। दैट्स फाइन, तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। क्या वेट कर रही हो, लोग देख रहे हैं, बुरा लगता है, आओ। हाँ हाँ पीछे नहीं, आगे बैठो। नहीं पीछे ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारा ड्राइवर बनते हुए।
ए ईशा, परेशान लग रही हो थोड़ी? हाँ, वो मिनाल यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। ये क्यों हुआ? बहुत मूडी है, जो दिल करता है वही करती है। जी, कोई अनबन लड़ाई वगैरह हुई है तुम दोनों की? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। Really? शायद मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया। Maybe. बता रही थी मुझे तुम्हारे घर वाले तुम्हारा कोई रिश्ता वगैरह तय कर रहे हैं। जी, बात तो चल रही है। खुश हो घर वालों के इस फैसले? किसी और को पसंद करती है? अशरफ ने बताया मुझे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम दुल्हन बन के हमारे घर में आओ। आपको अशर ने बता दिया? कुछ छुपाता नहीं है मुझसे। बहुत दिन हो गए हैं, मैं उनको कॉल भी कर रही हूँ पर मेरा उनसे कुछ रब्ता नहीं हो रहा। तुम्हारा ईशा, उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं हैंडल कर रहा। आप हैंडल कर लेंगे? मतलब स्टॉप थिंकिंग अबाउट आशा और अब सिर्फ मेरे बारे में सोचना शुरू कर। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है एक्चुअली ईशा। शादी करना चाह रहा हूँ तुमसे। आपका दिमाग खराब हो गया या आप किस तरह की बात कर रहे हैं मेरे साथ? आपको अंदाजा भी अपनी बात का? ईशा, तुम अच्छी लगने लगी हो और मैं सिर्फ शादी की ऑफर कर रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? अशर बच्चा है, कुछ नहीं है मेरे साथ। मैं कम नहीं हूं उससे। जी, आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे इस तरह की बात करते हुए। तुम्हारी शादी अब अगर किसी से होगी तो सिर्फ मुझसे, और मैं ये फैसला कर चुका हूँ। मैंने हमेशा आपको अपने बड़े भाई जैसा समझा है। अरे तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारा भाई तो नहीं हो जाऊंगा ना? क्या आप किस तरह की बात कर रहे हैं मेरे साथ? आप प्लीज यही गाड़ी रोक दें, मैं आपको कह रही हूँ कि और किसी का गाड़ी रोक दें। अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी मैं चलती गाड़ी से पूछ जाऊंगी। एक मिनट, बदतमीजी मत करो। देखता हूं कब तक भागती है। भाई खोल रही। क्या हुआ? अम्मी, अम्मी। हाँ? अम्मी। ईशा क्या हो गया है? क्या हुआ?
ईशा भाई, अच्छा क्या हो गया? आर यू ओके ना? वो मेरे पीछे ना कुत्ता लग गया था। ईशा तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। अच्छे मैं तो यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया था और देखे इसने मुझे सरप्राइज दे दिया। अच्छा चलो अंदर चलो। अच्छा चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चल के बात करते हैं। आ जाओ चलो। हाँ चलो अंदर चलो। तुम बेहतर महसूस कर रही हो ना? जी भाई मैं अब ठीक हूँ। गुड। आप दोनों परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो, इतनी घबराई हुई थी, कहीं तुम्हें कुत्ते ने तो नहीं काटा ना? काटने ही वाला था पर मैं भाग आई। अच्छा छोड़े आप बताएं आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपका तो सेमेस्टर चल रहा है ना? सेमेस्टर तो कब का खत्म हो चुका है, और अगर बता क्या था तो तुम्हें कैसे सरप्राइज देता? आपने बहुत अच्छा किया भाई कि आप जल्दी आ गए। मैं और अम्मी आपके बगैर बहुत अकेला महसूस करते हैं भाई। मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम मनाल की गिर गई थी ना, कैसी है वो? मिनाल बिल्कुल ठीक है भाई, वो ठीक है। गुड। क्या हुआ? कोई कुछ नहीं। ये तो किसी के नाखून के निशान है शायद, है ना? चुड़ैल की मर गई है, मुझे बचा सकती हो तुम मुझे उससे? बोलो बचा सकती हो? नहीं ना, बचा बताऊं? अम्मी और भाई से शेयर किया तो परेशान होने के साथ साथ मुझे ही इल्जाम देंगे। अशर से बात करती हूँ पर ना जाने वो मेरी बात का यकीन करेंगे भी या नहीं। नहीं नहीं, उन्हें मेरी बात का एतबार करना ही पड़ेगा।
अश्विन, कब तक अपना नंबर बंद रखेंगे? आपको कब से कॉल्स कर रही हूँ। हेलो, खैरियत से पहुंच गई? इजलाल भाई। क्या ईशा, मेरी बात का जवाब दिया है तुम वहां से भाग गई? अच्छा नहीं किया तुमने। आप ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं? मैं सोच भी नहीं सकती थी। हाँ तो ईशा, सोच लो कि तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या करूं, पसंद आ गए हो तुम, ये जानते हुए भी कि मैं और अशर एक दूसरे को पसंद करते हैं। लिसन लिसन, तुम्हारा और अशर का कोई सीन नहीं है। तुम उसे ख्वाब देखना छोड़ दो, तुम्हारी उससे शादी नहीं होगी। आप ये बातें मेरे और अशर के दरमियान ही रहने दें, और डरे उस वक्त से जब मैं आपका असल चेहरा अशर को दिखाऊंगी। हाँ हाँ, जो करना है कर लो, बस ये याद रखना कि इन दी एंड तुमने आना मेरे पास ही। और कॉन्ग्रेचुलेशंस ईशा। किस सिलसिले में? आपकी थर्ड मैरिज हो रही है। लव मैरिज? ये आपसे किसने कहा है? फिलहाल में मिनाल ने। मुझे सारी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा डेट आई एम सो अनलकी कि मुझसे पहले ही आपकी जिंदगी में कोई और आ गया। मैं सोचा था कि मैं कभी इस बारे में बात नहीं करूँगा, तो मैंने मिनाल को मना किया कि वो मेरा प्रपोजल लेके ना जाए, बट पता नहीं क्यों आज आपको देख के मैं खुद को रोक नहीं पाया। ईशा, आई रियली लव यू। How dare you? तो ये वजह थी तुम्हारे बदले रवैये की। तुम इजमीर से शादी करना चाहती थी ना, लेकिन जब इजमीर ने मेरा नाम लिया तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। Don't cross your limits. लिमिट तो तुमने क्रॉस की है मिनाल। तुम कब से मुझसे इतना इनसिक्योर होने लग गए कि इजमीर को मेरी लव मैरिज की झूठी कहानी सुना दी? इजमीर, मेरी कोई लव मैरिज नहीं हो रही। आप मुझे डायरेक्टली भी प्रपोज करते तो भी मेरा जवाब आपको इनकार में ही मिलता। शिप विनाल आपसे मोहब्बत करती है, और मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि अपनी दोस्त की मोहब्बत छीनने की कोशिश करूं। लिहाजा मेरा आपको यही मशवरा है, आप सिर्फ और सिर्फ मिनाल के बारे में ही सोचें। I didn't expect this from you.
Is this true? नहीं, वो सब बकवास कर रही है। शर्म आनी चाहिए इसी हरकत करने से पहले, एक बार सोच तो लेती। लेकिन इज़मीर, इज़मीर, ईशा जैसी दो टके की लड़की तुम्हारी पसंद कैसे हो सकती है? मिनाल, ईशा के बारे में एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। इज़मीर, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, प्लीज मेरे हाथ समझने की कोशिश करो। तुम्हें मुझसे बेहतर मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन तुम तो नहीं होगे ना इज़मीर। मिनाल, मैं ईशा के सिवा किसी और का सोच भी नहीं सकता। ऐसा क्या है उस ईशा में जो मुझ में नहीं है? उससे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ, स्टाइलिश हूँ, दौलतमंद हूँ। उससे बेहतर ना मेरी घर की नौकरानी है। मगर दिल ऐसी किसी दलील को नहीं मानता। तुम ठीक कह रही हो, ईशा में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ मैं उसकी ना जिंदगी तबाह कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा नहीं होने दूंगी मैं कभी उसे। मिनाल, अगर एक ईशा नहीं ना तो फिर कोई भी नहीं। दोस्त समझती थी ना ईशा को, देखा उसने तुम्हारे साथ क्या किया। हमने कहा भी था इस मिडिल क्लास लड़की को मुंह मत लगाओ, मगर तुमने सारी यूनिवर्सिटी छोड़ के उससे दोस्ती की। आखिर क्या है ईशा? उस दो टके की ईशा ने मिनाल की मोहब्बत देखी है, नफरत नहीं। और अब देखना मैं उसके साथ करती क्या हूँ। मिनाल, अगर ईशा मेरी नहीं हो सकती ना तो कोई भी नहीं। इस ईशा की वजह से पहली बार मेरी इतनी इंसल्ट हुई है। मेरी गलती थी कि मैंने तुम जैसी दो टके की लड़की को अपना दोस्त बनाया। मिनाल, तुम इस टाइम बहुत गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा हम तब बात करेंगे। माय पॉट, तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि कब और क्या करना है? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? तुम में ऐसा है क्या जो इज़मीर तुम्हें पसंद करता है? मिनाल, मेरी बात सुनो। मैंने इज़मीर से साफ कह दिया, तुम उससे मोहब्बत करती हो और वो सिर्फ तुमसे शादी करेगा। ओह शट अप, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ पे तरस खाकर इज़मीर को भीख की तरह मेरी तरफ बढ़ा दोगी और मैं उसे कबूल कर लूंगी? मुझे कमी नहीं है किसी चीज की, दुनिया मरती है मुझ पे। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो। हाँ हाँ जानती हूँ, क्योंकि तुम तो अशर के साथ शादी का ख्वाब देख रही हो ना। बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो। इज़मीर को इसलिए इनकार कर रही हो ना क्योंकि तुम्हारी नजर मेरे भाई पर है? तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे शादी करेगा? भूल है तुम्हारी, अफेयर तुम अशर के साथ चला रही हो। इज़मीर पे पता नहीं क्या जादू कर रखा है तुमने, कर कैसे लेती हो इतना सब कुछ तुम? मिनाल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गई हो। सर, मैं इंस्पेक्टर जावेद बात कर रहा हूँ, क्या आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? सर, मैं मरीना मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। हमें कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस मिले हैं। बस उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी थी।
इंस्पेक्टर, घर देखा है मेरा। राइट सर, हाजिर होता हूँ। सर वो इंस्पेक्टर आए, वो अस्सलाम वालेकुम सर। जो कॉल तुम्हारे बड़े मुझे करने से पहले 100 बार सोचते हैं वो तुमने वही कर दी। क्या समझूं, मतलब तुम्हारी बहादुरी समझूं, बेवकूफी समझूं, क्या समझूं? तुम जानते नहीं हो मुझे। जानता हूं सर, इसीलिए मैंने आपको थाने बुलाने की बेवकूफी नहीं की। मुझे आपकी पहुंच का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है, तभी तो आपके एक बुलावे पे मैं यहां आ गया हूं। ये बताओ कि मुझे तकलीफ क्यों दी है? मैं मरीना मर्डर केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। कौन मरीना? सर आपके ताल्लुकात तो थे, ये किस किस्म के ताल्लुकात थे आप बेहतर बता सकते हैं या मरीना मैडम बेहतर बता सकती थी? मैं तो किसी मरीना को नहीं जानता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? लगता सर लगता है। क्या करें, मरीना के अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में आपको आते जाते देखा जा सकता है, और आपके ऑफिस के लोग भी उसे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि सब लोग इस बात से अनजान हैं और मैं भी हूं, तो माजरत के साथ सर यहां आप भूल कर, इन्वेस्टिगेशन में मैं बहुत आसानी से साबित कर सकता हूं कि मरीना ने खुदकुशी नहीं की, उसका मर्डर हुआ है।